हेलो बच्चों, जब आपको कहीं जाना होता है तो आप कैसे जाते हो? पैदल पैदल चल के जाते हो और भाग भाग के जाते हो। अगर दूर जाना होता है तो आप कैसे जाते हो? साइकिल उठा लेते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है साइकिल से अगर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा और टाइम भी कम लगेगा और मेरी एनर्जी भी कम लगेगी, मैं थकूंगी भी नहीं। तो इसलिए हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? साइकिल का कर लेते हैं। स्कूल में आपने देखा होगा कुछ बच्चे तो पैदल ही आ जाते हैं, कुछ के मम्मी पापा उन्हें छोड़ के जाते हैं और कुछ खुद साइकिल लेके आते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो नज़दीक है वो अपना पैदल आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कम समय लग रहा है, और जो दूर है उनके मम्मी पापा छोड़ने आ जाते हैं या फिर वो अपने आप साइकिल लेके आ जाते हैं। तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है। वो क्या होते हैं? हमारे यातायात के साधन, यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाते हैं। और ये हमें हमें नहीं ले जाते, ये हमारे लिए जो जो जरूरी सामान आता है हमारे देश में ही दूसरे राज्य से, ठीक है, या हमारे देश में दूसरे देशों से जो आता है वो भी किसके माध्यम से ही आता है? इन्हीं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही आता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं ये क्या करते हैं? हमें मामा नाना कहीं भी जाना है उनके घर हमें लेके भी जाते हैं और हमारे लिए सामान भी पहुंचाते हैं। तो ये होते कितने हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। एक वो साधन होते हैं जो जमीन पर चलते हैं, धरती पर चलते हैं, उनको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। जो पानी में चलते हैं वो होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो हवा में उड़ते हैं वो होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। तो अब इनको आप पहचानोगे कैसे? जिनके ये लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से? आपके साइकिल, कार, रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटी, ट्रक, वैन, और जो पानी में चलते हैं बोट, सीप, सबमरीन, ये पानी वाले हैं। और हवा में उड़ने वाले कौन से हैं? जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में इनमें से कोई पिक्चर देखती है, जैसे मैं ये पिक्चर पूछ लेती हूँ, ये पानी में चलता है, हवा में उड़ता है या रोड पर चलता है, तो आप तुरंत पहचानोगे तो ट्रक है, हमने इसको रोड पर देखा है, तो रोड पे चलने वाला है। एरोप्लेन पानी में चलता है, हवा में उड़ता है या फिर लैंड पर चलता है, तो आप तुरंत बता दोगे ये तो एयर ट्रांसपोर्ट है और ये तो हवा में उड़ता है, ठीक है। और हवा में उड़ने वाले जो होते हैं वो हमें दूसरे देशों में बहुत कम समय में बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं। अब वहाँ तो हम साइकिल से नहीं पहुंच सकते या गाड़ी से, नहीं, वहाँ पहुंचने के लिए हमें बहुत जल्दी पहुंचने के लिए इससे जाना होता है, एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाना होता है, जो हमारे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर हैं जो हमें आसानी से पहुंचा देती हैं। तो ये जो आपके मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इनका उपयोग ये है कि हमें कम समय में बिना थकावट के आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते भी हैं, और हमारा जो सामान है वो भी हम तक लाते हैं। जैसे कि अब जो सेब है वो अपने हरियाणा में तो नहीं उगती ना, वो कहाँ से आती है? हिमाचल से। हम जाके नहीं लाते ना साइकिल से, वो बड़े बड़े ट्रक में भर के वो हर राज्य में पहुंच जाती है और हम उसको मज़े से खाते हैं। जो पेट्रोल डीजल है वो दूसरे देश से आता है, तो कहाँ से आता है? जो सिप में, वाटर में जो चलती है सिप, उसमें वो भर भर के आता है। तो ये साथ में हमें ले जाने के अलावा ये हमारा जरूरी सामान भी हम तक पहुँचाते हैं। और जो पहले का जो समय था उसमें ये काम कौन करता था? घोड़ों पे होता था, जिसमें जो सभी किससे जाते थे? घोड़ों से या बुलेट कार्ट से या कैमल कार्ट से जाते थे। अभी भी कुछ स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है बोझा वगैरह ढोने के लिए, लेकिन जब आप पहिए का आविष्कार होने के बाद ये सारी चीज़ें यूज़ में आने लग गई हैं, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता था और ये हमें कम समय में पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो हमारे मेन ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो हमें कम समय में बहुत दूर तक भी ले जाते हैं और हमें थकावट भी नहीं होती। थैंक यू।